कई लोग हमको बोले कल के रोड शो के बाद, कई लोग लिख रहे हैं हमको, बोल रहे हैं कि नीतीश जी का चेहरा उतरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मिसा भारती ने नामांकन दर्ज किया और उसके बाद एसके मेमोरियल हॉल में एक जनसभा का आयोजित किया गया था और इस जनसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की फिरकी ली है। उन्होंने कहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे थे, एक तरफ रविशंकर प्रसाद और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन इस रोड शो के बाद कई लोग मेरे पास आए और मेरे पास आकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो मुंह ही उतर गया है। इस रोड शो में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में हाथ में कमल थामकर रोड शो कर रहे थे तो पूरे रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। कई सारे लोग मेरे पास आए, जेडीयू के कई समर्थकों ने मुझे कहा कि ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री और बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पहले भी मेरे दिल में सम्मान था और आज भी सम्मान है, चाहे भाजपा वाले ने मेरे चाचा को हाईजैक ही क्यों ना कर लिया हो, आज भी हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं और ये वादा करते हैं कि जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमने मिलकर शुरू किया था वो काम आधा अधूरा छूट गया, लेकिन उस काम को हम पूरा करेंगे। आप सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, अब अगर टूरिज्म पॉलिसी बनाया, बिहार में निवेश हो इसके लिए इन्वेस्टर मीट करा करके 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट हम लोगों ने कराया, लेकिन चाचा जी पकड़ गए हमारे। देखिए उनके प्रति मेरा पूरा सम्मान है, सम्मान रहेगा, लेकिन कई लोग हमको बोले कल के रोड शो के बाद, कई लोग लिख रहे हैं हमको, बोल रहे हैं कि नीतीश जी का चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया गया। लोग जो है, लोगों को, उन जदयू के समर्थकों को भारी चोट पहुंची है और हम बता देना चाहते हैं कि हमने वादा किया था विधानसभा में कि चाचा जी आप उधर चले तो गए हैं, लेकिन जो काम हम लोग ने शुरू किया था उसका भतीजा झंडा उठाने का काम, हमारे चाचा ने क्या कहा था। आपने देखा कि साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसते हुए कहते हैं कि पूरे रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो चेहरा उतर गया है। नीतीश कुमार के हाथ में कमल था, कमल लेकर वो खड़े हुए थे, उन्हें कमल थमाया गया था और पूरे रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि भाजपा वालों ने हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक किया भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए मेरा सम्मान हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमने तमाम लोगों को रोजगार दिया है, 17 महीने में इतना रोजगार दिया, लेकिन अब हम आगे भी रोजगार देंगे और हमारे चाचा भी लगता है अंदर ही अंदर यही चाहते हैं कि हम ही बिहार वालों के लिए काम करें। चाचा अब थक गए, अब वो कोई काम नहीं कर सकते, साथ ही साथ बीजेपी वालों ने तो उन्हें हाईजैक भी कर लिया है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव उस दौरान कहते नजर आए जब मिसा भारती नामांकन करके उनके द्वारा जनसभा किया गया था। दरअसल इस जनसभा में खुद तेजस्वी यादव मौजूद रहे। मिसा भारती के लिए उन्होंने पाटलिपुत्र की जनता से अपील की है कि मिसा भारती को ज्यादा से ज्यादा वोट दे और उन्हें पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से विजयी बनाए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पूरे बिहार भर के जनता को हमने कह रखा है कि आप महागठबंधन के कैंडिडेट को जिताइएगा और इस बार अब पाटलिपुत्र की जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारी बहन मिसा भारती को पाटलिपुत्र की जनता विजय बनाए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तेजस्वी यादव ने बड़ा तंज कसा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।